याद कीजिए, जैसे ही भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना की घोषणा की थी, देश के खिलाफ साजिशें रचने वालों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। देश के युवाओं को भड़काने में, देश में आगजनी की घटनाएं करने में कहीं कोई कमी नहीं रखी गई। लेकिन अग्निवीर भर्ती के लिए जिस तरह का उमंग, जोश और उत्साह युवाओं ने दिखाया है, उन्होंने ये बता दिया है कि ऐसी साजिशें और दुष्प्रचार देश सेवा की राह में कोई रोड़ा नहीं बन सकती हैं। 16 जून 2022 अग्निपथ योजना की घोषणा। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप। इसके बाद ही शुरू हो गया देश विरोधी ताकतों का खेल। पर अग्निपथ योजना के विरोध में मैसेज की मानो बाढ़ सी आ गई। 15 राज्यों में बवाल शुरू हो गया। देश के 60 जिले इससे प्रभावित हुए। कई जगह हिंसा भड़काने की साजिशें रची गई। सड़कों, रेलवे ट्रैक और बाजारों में प्रदर्शन हुए। 12 ट्रेनें जला दी गईं। आगजनी और तोड़फोड़ का सिलसिला चल निकला। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में भी लिए गए। इस सब के पीछे था पाकिस्तान का शैतानी दिमाग। मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के ऑपरेटिव मोहम्मद रक्साना नूरती ने नेपाल के काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में एक सीक्रेट बैठक की थी। बैठक का एजेंडा था अग्निपथ योजना को लेकर नेपाली युवाओं में गलत संदेश देना। भारत में भी युवाओं को भड़काने की खौफनाक साजिश के तहत पाकिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में ऐसे व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो भेजे गए। लेकिन भारत माता के सपूत, इस धरती के युवाओं ने सारे भ्रम और षड्यंत्रों को कचरे के डब्बे में फेंक दिया और चुनी अग्निवीर बनने की राह। सरकार भी सोचती है तो कुछ अच्छे के लिए ही सोचा होगा, तो इससे जो जैसे कि रोजगार काफी ज्यादा मिलते हैं, तो अब जैसे कि 25% लोगों को वो लोग परमानेंट भी करेंगे, तो वो भी करेंगे, तो अपन अपनी कोशिश रहेगी कि अपन 25% में आए। निकलने वालों में से क्यों सोचे, और जो निकलेंगे भी तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। SSC में भी चांसेस सीट मिलेगी, MP पुलिस वगैरह में सीट देने को बोला है उन्होंने, और BSF वगैरह में भी आगे ज्वाइन कर सकते हैं 10%। तो इस हिसाब से ऐसा करियर ख़राब तो नहीं हो सकता, टोटली कुछ ना कुछ तो करेंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा 4 साल के दौरान। इतना ही नहीं, देश की रक्षा के लिए अग्निवीर बनने का साहस और संबल रखने वाले इन युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया से गुजरने के लिए कड़ी मेहनत की है। हम फिटनेस के लिए तो काफ़ी सारी तैयारी करते हैं, जैसे ग्राउंड में डेली प्रैक्टिस होती है सुबह से शाम दोनों टाइम, रनिंग की प्रैक्टिस, पूरा फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। साथ ही में हम लोग NCC कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा NCC एक प्रकार से आधी फौज होती है, तो हमें फौज के पूरे नियम कानून हमें पहले से सिखा दिया जाता है, तो हमें मेंटली और फिजिकली दोनों प्रकार से स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है NCC में। और साथ ही अग्निवीर बनने के इच्छुक इन युवाओं की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि अग्निपथ योजना देश के लिए कितनी जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि अग्निवीर भर्ती योजना एक प्रकार से बहुत अच्छी है युवाओं को अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या तो जो उम्र में लोग फालतू काम करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसमें अग्निवीर में जाके काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। ये सर मैं बहुत ज़रूरी मानता हूँ, ताकि लगभग 45,000 बच्चों में से कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है इसमें, तो ये एक हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया ये भर्ती है। और सर इससे गांव के ही आते हैं ज़्यादातर बच्चे, तो मेरे लिए तो सर बहुत गर्व की बात है कि यार ये भर्ती हर साल निकलती रहे। ये युवा यह भी जानते हैं कि देश विरोधी ताकतों ने मन गढ़ंत झूठ फैलाकर उनकी भावनाएं भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन शायद वो इस देश के युवा के मन को समझ नहीं पाए।
अब ये भर्ती अच्छे से दे दें हम, ताकि गांव का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, पूरे गांव वाले ने हमें को साथ में पहुंचाया है कि तुम नाम करके आना, यानी रनिंग में पास होके आना। भारतीय सेना का हिस्सा बनना भारतीय युवाओं के लिए गर्व की बात होती है। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए जीतोड़ मेहनत करने वाले यह युवा यह भी जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। सेना की एक भर्ती रैली में औसतन 40 से 45 हजार उम्मीदवार बुलाए जाते हैं। इनमें से औसतन 1 से 2000 शारीरिक और मेडिकल परीक्षा से गुजरकर लिखित परीक्षा तक पहुंच पाते हैं। इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारतीय सेना की वर्दी पाने का उनका सपना पूरा होता है। भोपाल में हुई अग्निवीर भर्ती रैली में 43,565 अभ्यर्थियों में से 255 ही सफल रहे हैं। लेकिन इनकी जिद, जोश और उमंग ऐसी है कि सैनिक बनकर देश की रक्षा करने का सपना चाहे कुछ भी हो, इन्हें पूरा करना ही है। और आगे का सोचना यही है कि सर 25% में मैं इन हूँ और है कि हो सकता हूँ, और आगे इसी तरह मतलब JCOs तो बनी सके, जूनियर वाली रैंक हो सके। भारत माता की जय। वंदे मातरम।